नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अकेडी वायरस में। मैं अखिलेश साहू और आज मैं बात करने वाला हूं अमीबा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अमीबा की खोज रसेल वान रोसेनहॉक ने 1755 में की। उन्होंने इसे लिटिल प्रोटियस कहा क्योंकि यह अंग्रेजों के काल्पनिक समुद्री देवता की तरह अपना आकार लगातार बदलता रहता है। अमीबा का जो क्लासिफिकेशन है वो है फाइलम प्रोटोजोआ, सब फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा, क्लास सार्कोडीना, सब क्लास राइजोपोडा, ऑर्डर अमीबाइडा, जीनस अमीबा और स्पेसिफिक नेम प्रोटियस। यहाँ पे मैं आपको अमीबा की कुछ प्रजातियों के नाम बताना चाहूंगा। अमीबा रेडियोसा, अमीबा डिस्कोइडिस, अमीबा वेरिकोसा और अमीबा प्रोटियस। अमीबा की प्राकृतिक वास की बात करें तो अमीबा की विभिन्न जातियां समुद्र, अलवणीय जल या गीली मिट्टी में पाई जाती हैं। अमीबा प्रोटिया संसार भर में तालाबों, पोखरों, नालों, झीलों के सतह और तल के काई में और कीचड़ में पाई जाती है। अमीबा की स्ट्रक्चर की बात करें तो अमीबा प्रोटियस 0.6 मिलीमीटर का होता है, लेकिन इसकी अन्य जातियां 0.2 से लेकर के 0.5 मिलीमीटर तक के व्यास की होती है। सूक्ष्मदर्शी से अमीबा को देखने पर यह रंगहीन, जेलीनुमा, चिपचिपा, चमकीला जीव पदार्थ दिखाई देता है। अगर आप इसे कुछ देर तक देखते रहें तो आप देखेंगे कि इसका आकार लगातार बदल रहा होता है। जैसा कि आप यहाँ पे एक अमीबा का चित्र देख पा रहे हैं, इसके जो बाहरी सतह पे जो आवरण है इसे हम जीवकला या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। यह 1 से 2 माइक्रोन तक की मोटी होती है, इसीलिए हम अमीबा को नेकेड भी कह सकते हैं। यह लिपिड्स और प्रोटीन की बनी होती है, इसलिए अमीबा जल में भीगता नहीं है। इसकी बाहरी सतह पे म्यूको प्रोटीन की एक लेयर होती है, झालर होती है, जिसे हम सूक्ष्मकांग या माइक्रोविली कहते हैं और इसकी वजह से अमीबा चिपचिपा होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत मजबूत लेकिन लचीली होती है। यह जीव द्रव्य को बहने से रोकती है लेकिन शरीर की वृद्धि और सूडोपोडिया बनने में कभी भी रुकावट नहीं डालती है। बाहरी वातावरण से रासायनिक लेन देन का नियंत्रण भी करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रीजनरेशन की बहुत क्षमता होती है, यानी कि अमीबा को कभी भी चोट लग जाती है तो यह तुरंत ठीक होकर के अमीबा को नष्ट होने से बचाती है। साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और केंद्रकी कला के बाहर का जो संपूर्ण तरल है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। यह आधारभूत तरल यानी कि मैट्रिक्स होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जो तरल होता है उसे हम एक्टोप्लाज्म कहते हैं और जो सेंटर एरिया यानी बीच के एरिया का जो तरल होता है, जो केंद्रकी कला के आसपास का तरल होता है, उसे हम एंडोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर हमें कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल, वाटर वैक्यूल, गोल्जी बॉडी, माइट्रोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये हमें देखने को मिलता है। केंद्रक या न्यूक्लियस की बात करें तो अमीबा के एंडोप्लाज्म में गोलीय संरचना होती है जिसे हम केंद्रक या न्यूक्लियस कहते हैं। यह उपापचय क्रिया यानी मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्शन या जनन को नियंत्रण करता है। यानी कि अमीबा के कई टुकड़े कर दिए जाएं तो जिन भागों में केंद्रक होंगे वो एक संपूर्ण अमीबा बन जाएगा और जिन भागों में केंद्रक नहीं होगा वो नष्ट हो जाएगा। अमीबा के शरीर में जो उभरे हुए भाग होते हैं उसे हम सूडोपोडिया कहते हैं। अमीबा इसी के माध्यम से लोकोमोशन या गमन करता है। ये लगातार बनते रहते हैं इसलिए अमीबा लगातार गमन करता रहता है। ऐसे गमन को अमीबीय गमन या एमेबॉइड कहते हैं। न्यूट्रिशन की बात करें तो अमीबा पूर्ण भोजी होता है, यानी कि जंतु संभोजी होलोजोइक होता है। यह सर्वाहारी यानी ओमनिवोरस भी होता है। यह अपने भोजन में सभी प्रकार के ठोस कणों को ग्रहण कर लेता है। यह शैवाल, डायटम, अन्य प्रोटोजोआन, शैवाल आदि का भी भोजन करता है। बात करते हैं अमीबा में प्रजनन या रिप्रोडक्शन की, तो अमीबा में 4 प्रकार के प्रजनन होते हैं। पहला है बाइनरी फ्यूजन या द्विभाजन। यह प्रजनन की सामान्य और सबसे सरल विधि है। इसमें अमीबा एक जंतु कोशिका की तरह समसूत्री विभाजन या माइटोसिस क्रिया के द्वारा
दो संतति कोशिका में बढ़ जाती है। इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगा। इसे अगर आप एक अमीबा माने, तो अगर इसमें माइटोसिस क्रिया चल रही है, तो इस तरह से वो दो भागों में बढ़ जाएगा। ये इतना सरल है। दूसरा है बीजाणुजनन या स्पोरुलेशन। इसमें अमीबा का जो केंद्रकीय कला है वो टूट जाती है और जो क्रोमेटिन कण है वो साइटोप्लाज्म या जीव द्रव्य में आ जाते हैं। जो क्रोमेटिन कण है वो दो या तीन तीन के समूहों में बढ़ जाती हैं और धीरे धीरे इनमें केंद्रकीय कला बन जाने से कई सारी संतति केंद्रक बन जाते हैं और कुछ समय बाद यह अलग अलग पिंडों में टूट जाते हैं और जो जनक कोशिका है वो लगभग 200 संतति कोशिका में बट जाता है। तीसरा वाला पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसे बहुविभाजन या मल्टीपल फ्यूजन कहते हैं। प्रतिकूल वातावरण यानी कि सूखे पड़ जाने की स्थिति में अमीबा सिकुड़ करके एक मजबूत त्रिस्तरीय कोष्ठ या सिस्ट बना लेता है और इसके बाद जो इसका केंद्रक है वो बार बार माइटोसिस क्रिया यानी कि समसूत्री विभाजन के द्वारा बार बार बटने लगता है, बार बार समसूत्री विभाजन करने लगता है। इससे 500 से 600 केंद्रक का निर्माण होता है। प्रत्येक केंद्रकों के चारों तरफ थोड़ी सी कोशिका द्रव्य की मात्रा अलग हो जाती है। इस प्रकार संपूर्ण शरीर नन्ही कोशिका में बढ़ जाती है, जिसे हम अमीब्यूल या सूडियोस्पोर कहते हैं। और अनुकूल वातावरण में जो त्रिस्तरीय जो कोष्ठ है वो पानी सोख करके नष्ट हो जाती है, फट जाती है और जो अमीब्यूल्स हैं वो पानी में बाहर आ जाते हैं, आगे चल के एक पूर्ण अमीबा बन जाते हैं। चौथा पॉइंट और भी इंटरेस्टिंग है, इसे पुनरुद्भवन या रीजनरेशन कहते हैं। इसमें अगर अमीबा के कई छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाएं तो जिन हिस्सों में अमीबा के जो केंद्रक है वो होंगे वो एक संपूर्ण कोशिका में परिवर्तित हो जाएंगे और जिन हिस्सों में केंद्रक नहीं होगा वो नष्ट हो जाएंगे। इस तरह अमीबा में बहुत ज्यादा रीजनरेशन की क्षमता होती है। कुछ वैज्ञानिकों ने कॉन्जुगेशन या संयुग्मन का भी वर्णन किया है। इसमें दो अमीबा आपस में परस्पर एक साथ जुड़ते हैं और फिर अलग हो जाते हैं, लेकिन इसके कोई ठोस प्रमाण नहीं है। कुछ अमीबा पैरासाइट या परजीवी होते हैं, ये रोगजनक होते हैं, ये रोग फैलाते हैं। ऐसे अमीबा को हम एंट अमीबा की कैटेगरी में रखते हैं, जैसे कि एंट अमीबा जिंजीवैलेस। ये आंतों और फूले मसूड़ों में होते हैं, प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया फैलाता है, और एंट अमीबा हिस्टोलियोटिका यह पेचिस का कारक होता है। यह मनुष्य और प्राइमेट्स में उनकी आंतों में पाया जाता है। अगर आपके कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।